हेलो एवरीवन, हाय। तो क्या आपको भी लगता है कि सेल्स डोमेन में है, मार्केटिंग में है, लेकिन एक कॉरपोरेट ऑफिस का आप भी सपना देखते हैं कि कॉरपोरेट ऑफिस मिल जाए, और सेल्स और मार्केटिंग डोमेन में है तो फील्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन आजकल जैसे ये कोरोना काल चल रहा है तो इसमें लगता है कि नहीं, सेल्स जो है वो ऑफिस से ही हो जाए, बाहर ज़्यादा घूमना ना पड़े। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। यहाँ पर आपको कोई बाहर फील्ड वर्क नहीं है, ऑफिस सेल्स ही करनी, ऑफिस में बैठकर ही सेल्स करनी है। कोई ट्रैवलिंग नहीं है, जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम पे हर कोई अवॉइड कर रहा है बाहर जाना, जब बशर्ते कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो ऐसे टाइम पर एक ऐसी जॉब मिल जाए कि जिसमें सेल्स और मार्केटिंग की हो, यानी अपने इंटरेस्ट की जॉब हो और हमें बाहर घूमना भी ना पड़े। तो ये लोग यहाँ पर ऐसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनसाइड सेल्स है, कोई बाहर नहीं है आपको जाना, कोई फील्ड वर्क नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 4,20,000 पर एनम का सैलरी पैकेज ये दे रहे हैं। नियर अबाउट 33,000 to 35,000 पर मंथ आपका सैलरी बन जाएगी। लोकेशन की अगर बात करूँ तो ये है तमिलनाडु की वैकेंसी है, चेन्नई में इनकी वैकेंसी है यहाँ पर, यानी ये लोग चेन्नई के लोगों को तमिलनाडु के लोगों को प्रेफर करेंगे। एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, पर यस, कुछ स्किल्स इन्होंने मेंशन किया है जिसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि कम से कम ग्रेजुएट तो दे वांट। तो जो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्किल्स क्या हैं जो इन्होंने डिमांड की हैं, कुछ स्किल्स है जैसे बिजनेस ओरिएंटेड आपको होना चाहिए, परसुएसिव, यानी आप एकदम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी के साथ बात करके डील क्रैक कर सकते हैं। टारगेट फोकस्ड होना चाहिए, अग्रेसिव, क्विक एट अडेप्टिंग कि नए एनवायरनमेंट को आप अडेप्ट कर सकते हैं इजीली, डिसिप्लिन्ड, एथिकल, एम्बिशियस, ट्रांजैक्शनल एंड कैन टर्न नो टू यस, जो कि सबसे बड़ा रूल होता है मार्केटिंग और सेल्स के पर्सन का, के लोगों का। तो ये बेस्ड ऑन दीज स्किल्स हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रेजुएट तो इन्होंने मांगा ही होगा। अच्छा, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया तो इन्होंने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का नाम है ग्रेज। ग्रेज के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार उस लिंक से, उस वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको ग्रेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू वहाँ से मिल जाए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, लोकेशन, सैलरी सब हो गया, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ये लोग आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू के दो राउंड्स होंगे, उन इंटरव्यू के दोनों राउंड्स को क्लियर करने के बाद ये लोग आपकी पास्ट अचीवमेंट्स और आपके रेफरेंसेस को चेक करेंगे, क्योंकि हर जॉब में, किसी भी जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म भरते हुए आपको रेफरेंसेस मांगे जाते हैं कि आप अपना रेफरेंस मेंशन कीजिए यहाँ पे। तो वो आपके पास अचीवमेंट्स और रेफरेंसेस को चेक करेंगे, उसके बाद ही ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ये लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि 6 months की रहेगी। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड वो 6 months का रहेगा और उसके बाद ही आप ऑन रोल जाएंगे और उसके बाद ही आपको 4,20,000 पर एनम का पैकेज अलॉट होगा। तो ये सारा प्रोसेस था यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। और ग्रेज जो है एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, आप इसके बारे में इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी उस वीडियो में भी बताया है कि इसके बारे में रिव्यूज़ जो चेक किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और पॉजिटिव भी हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। हर तरीके से सब कुछ पॉजिटिव है, हर तरीके से हर चीज़ यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग मिल रही है, जैसे कि इनसाइड सेल्स है, आपको कहीं जाना नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, आपको ग्रेजुएट हो, बस मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं मांगी इन्होंने, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, तो अगर आप ये सब फुलफ़िल करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू सून इन सम नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी। टिल देन, नमस्ते।